ठीक है, हम खबर आपको बता दें, गया के टिकारी विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस उम्मीदवार पर हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सुमंत कुमार, इन पर हमला हुआ है गया में। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी सुमंत कुमार बूथ कैप्चरिंग की शिकायत के बाद यहां पर पहुंचे थे और जैसे ही पहुंचे ठीक उसी वक्त पर उन पर हमला हो गया। अब ऐसे में क्या जानबूझकर उन तक गलत जानकारी पहुंचाई गई थी, क्या सब कुछ ये साजिशन हुआ है, ये सवाल उठ रहा है। दरअसल उन तक खबर ये पहुंची थी कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है, इसके बाद खुद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सुमंत कुमार टिकारी सीट से उम्मीदवार हैं, वो पहुंचे देखने के लिए और वहीं पर उन पर हमला हो गया। मेरा पोलिंग पार्टी को पोलिंग एजेंट को भगा दिया गया था। अब पूछने पे हमसे हाथापाई किया और बाहर निकल कर जब गाड़ी में बैठ के जाने लगे, ऐसे तो धक्का मुक्की करता। कुछ असामाजिक तत्व थे वहाँ पे, लेकिन एक दो बचाने वाले भी थे, अच्छे भी थे वहाँ पे। उन लोगों ने कहा कि ना आप निकलिए निकलिए। जैसे ही गाड़ी बैठे तो शीशा एक पीछे वाला तो पहले ही तोड़ दिया था, और जब बैठे तो साइड शीशा भी तोड़ दिया, और पीछे से लगातार ईंट पत्थर चलाते रहा। पता नहीं कुछ आवाज़ भी हुआ, क्या था, गोली था कि ईंट का ही आवाज़ था। तो मैं चुनावी प्रक्रिया में लोकतंत्र को फॉलो करने वाला हूं, गांधी के विचारधारा को मानता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी प्रत्याशी के साथ।